तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एसी सिस्टम कैसा होता है और कैसा मतलब गाड़ी के अंदर लगा रहता है, चाहे वो कोई से भी ब्रांड की गाड़ी हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ आज मैं पहले आपको बताऊंगा, एंड ये एसी सिस्टम बाहर क्यों निकाला है ये भी बताऊंगा, एंड हमने निकाल के बाहर इसमें क्या डायग्नोस कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एसी सिस्टम में जो जो मेन चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो एक एक करके आपको बताता हूँ। ये देखिए सामने ये तो होता है कूलिंग कॉइल, ठीक है, जिसको हम इवेपोरेटर भी बोल देते हैं। इसके ऊपर एक थर्मिस्टर सेंसर लगा रहता है, वो यूनिट के अंदर ही रखा हुआ है, वो मैं अलग से दिखा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर से एयर आती है, ब्लोअर की जो एयर होती है इन फिन्स के अंदर से आर पार होती है, एंड जब एसी ऑन होके रहता है ना हमारी गाड़ी का, तो ठंडी हवा में वेंट के थ्रू पैसेंजर केबिन में मिल जाती है। ये होता है गाड़ी का एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, जो कूलिंग कोयल के ऊपर रहता है, एंड इसके अंदर जाके स्प्रे टाइप करता है जो अपनी गैस होती है, लिक्विड गैस। इसके बाद ये दोनों चीज़ें हो गई, ये हो गया लो प्रेशर पाइप, ठीक है, ये सीधा यहाँ से एसी कंप्रेसर पे गया हुआ है, एंड ये होता है हाई प्रेशर पाइप। हाई प्रेशर पाइप के ऊपर यहाँ पर देखिए ये ड्यूल प्रेशर स्विच इसको बोल देते हैं, एंड इसको हाई प्रेशर स्विच भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस जो है वो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ही चलता है, ठीक है। तो ये वाला पाइप जो है आगे घूम घाम के ऐसे जाता है, एंड ये सीधा एसी कंडेंसर पे जाके लग जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ गैस जाती है, गैस ऐसे घूमते हुए फिन्स में, देख रहे हो फिन्स इसके, इस तरीके से ऐसे घूम घूम के गैस ऊपर आती है, एंड आने के बाद इस डिस्चार्ज पाइप से, ठीक है, ये डिस्चार्ज पाइप हो जाता है, ठीक है, एंड इस डिस्चार्ज पाइप से गैस सीधा एसी कंप्रेसर के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया अभी तक, इवेपोरेटर हो गई, कूलिंग कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व, लो प्रेशर पाइप, ठीक है, जो सीधा एसी कंप्रेसर पे जाता है, हाई प्रेशर पाइप, हाई प्रेशर पाइप सीधा घूम घाम के जाता है एसी कंडेंसर पे, क्योंकि गैस इसी के अंदर से वहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। एंड इसके बाद ये हो गया ड्यूल प्रेशर स्विच, अगर गाड़ी के अंदर गैस नहीं होगा तो इस ये प्रेशर बता नहीं पाएगा ECM को, और गाड़ी का AC चलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, जब गैस नहीं होगा तो सिग्नल जाएगा ही नहीं और AC ओपन होता ही नहीं है, आपको पता ही है, ऑन होता ही नहीं है, ठीक है। एंड ये होता है डिस्चार्ज पाइप, जो सबसे छोटा पाइप, मैनुअल लैंग्वेज में समझा दूँ फ्रेंड्स, जो सबसे छोटा पाइप होता है AC सिस्टम के अंदर, उसी को डिस्चार्ज पाइप बोल दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये AC कंडेंसर हो गया, आपको पता है ही, एंड ये बाद में है आपकी गाड़ी का AC कंप्रेसर, ठीक है। एंड अभी इसमें क्लच वगैरह के मैं दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा जब गाड़ी में लगा रहता है, जब AC हम ऑन करते हैं तो ये जो क्लच है ये एंगेज हो जाता है AC ऑन करते, ठीक है। तो इस पर जो कनेक्टर लगा हुआ है ना, इसके अंदर वो वायरिंग का जो कनेक्टर होता है, ECM से इसी के पास सिग्नल आता है, एंड AC ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी, जैसे ही सप्लाई आती है तो ये जो क्लच है ना, ये होता है इसका मैग्नेट क्लच, इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। किसी दिन कंप्रेसर खोल के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जैसे ही एंगेज होता है तो हमें कूलिंग ठंडी हवा मिलने लगती है, एंड ये होता है इसका पुली, ठीक है। जब तक हम AC ऑन नहीं करेंगे तो तब तक ये जो है क्लच जो है ये एंगेज नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये पुली घूमती रहेगी। एंड जैसे ही हम AC ऑन कर देंगे, AC ऑन करते ही ये पुली भी, ये जो मैग्नेट क्लच है, एकदम कट इस तरीके की आवाज़ आएगी, यानी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, एंड ये इस पुली के साथ ही घूमता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको कंडेंसर की वर्किंग बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर क्या एक प्रॉब्लम आ गई है, इसमें नया कूलिंग कोयल डाला हुआ था, डालने के बाद ये गाड़ी फिर से आई है 10-11 दिन बाद। तो 10-11 दिन बाद आने के बाद क्या हो रहा है, इसमें चेक किया तो इसके अंदर गैस नहीं मिला, सारा गैस ख़त्म हो गया है, एंड कस्टमर का ये कहना है कि 4-5 दिन 6 दिन तक तो बढ़िया AC चला, फिर उसके बाद AC नहीं चला, जब गैस ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक AC चलेगा ही नहीं, आप सभी को पता है। तो अभी हमने इसमें प्रेशर इसीलिए डाल के छोड़ा है, पूरा AC सिस्टम बाहर निकाल लिया है गाड़ी का, एंड प्रेशर डाल के इसीलिए छोड़ा है कि हमें बाहर ही पता चल जाए कहाँ से गैस लीक इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक झाग टाइप होता है, ठीक है, इस तरीके का लिक्विड होता है, एंड ऐसे कंप्रेसर पे या कहीं भी इस तरीके के झाग छोड़ दिए जाते हैं, है ना। एंड अगर जहाँ से भी गैस लीक होगा, इस तरीके से जहाँ से भी गैस लीक होगा वहाँ पर बबल्स टाइप निकलने लगते हैं, है ना, अगर लीक होता है तो, और अगर लीक नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये होता है इसके अंदर, एंड अभी मैं आपको इसीलिए दिखा देना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें कितना प्रेशर मारा है।
प्रेशर डालने के लिए सिंपल ये एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर आता है, 500-600 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमने इसमें प्रेशर देखिए 250 छोड़ा हुआ है, ये 250 PSI, ठीक है, 250 PSI इसमें प्रेशर छोड़ा है। अगर कहीं पे लीक भी होगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे हमें दिख जाएगा। एंड हर तरीके से हमने इस पर डाल लिया है, अब क्योंकि थोड़े बहुत ये कंप्रेसर के एसी से कंप्रेसर तो ये हो गया, एंड कूलिंग कोइल जो है पूरा मतलब सारा सिस्टम बाहर निकाल के अच्छे से ऐसे इस तरीके का ही रबिंग हमने की थी, इस पर झाग वाग से डाल के देखे थे। अभी तक कोई भी लीकेज हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी है, जब नहीं दिखाई देगी 1-1.5 घंटा और रखेंगे ऐसे ही, एंड यहाँ पर प्रेशर चेक करेंगे। वैसे तो प्रोसेस ये होता है 1 घंटे के लिए छोड़ देना होता है पूरे सिस्टम में नाइट्रोजन जो गैस है ये इसको डाल के मतलब प्रेशर डाल के, ठीक है। अगर ये प्रेशर यहाँ से डाउन होगा हल्का फुल्का भी तो कहीं ना कहीं लीकेज इसके अंदर मिलेगा। बट अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं प्रेशर डाल के हमने छोड़ा हुआ है, बट अभी कहीं पर भी कोई लीकेज इसमें नहीं दिख रहा। और मैक्सिमम 1/2 घंटा या 1 घंटा में करके छोड़ना है। अगर ये डाउन होता है तो फिर किसी ना किसी सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसके अंदर मिल जाएगी। वैसे मैं आपको दिखा दूं, कंप्रेसर हीटेड है, हो सकता है वहाँ से वो माइनर लीकेज हो एंड गाड़ी ओके हो जाए। तो मैं एक बार कंप्रेसर दिखा देता हूँ। एंड एसी सिस्टम में यही चीज़ें होती हैं जो आपको हमें कूलिंग देती है गाड़ी के अंदर। कूलिंग कोइल हो गई, हाई प्रेशर लो प्रेशर पाइप हो गया, ड्यूल प्रेशर स्विच हो गया, डिस्चार्ज पाइप हो गया, लो प्रेशर पाइप हो गया, ठीक है। एंड अभी मैं इसी कंडेंसर पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम हमें फाइंड लग रही है, मतलब कहाँ से वो हीटेड लग रहा है। एंड हो सकता है वहीं से इसकी गैस लीक हो जा रही हो बार बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हल्का सा हीटेड लग रहा है इस जगह पर, ये देख रहे हो यहाँ। तो हो सकता है गैस यहाँ से बहुत माइनर लीक हो रही हो एंड इसी वजह से कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिन बाद गाड़ी की 8 से 10 दिन बाद गाड़ी की गैस निकल जाने की वजह से एसी ऑन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, अगर गाड़ी में एसी गैस लीक हो जाए या एसी काम ना करे तो इस तरीके से प्रेशर डाल के चेक किया जाता है 1/2-1.5 घंटा छोड़ के। एंड यही एसी का पूरा सिस्टम होता है, कूलिंग कोइल, एसी कंडेंसर, एसी कंप्रेसर, हाई लो प्रेशर पाइप, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लोअर मोटर हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट की वीडियो डाल दूंगा अगर आपको देखना है तो, ठीक है, यूनिट को कैसे रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।